नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ की, और आरपीएफ के भी हम जीके और जीएस के क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आरपीएफ में जीके और जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछने की संभावना है। उसके साथ हम एक क्वेश्चन के साथ अनेकों क्वेश्चनों की चर्चाएँ कर रहे थे। कई क्लासें हमने कर ली हैं, तो आप जाके पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के इस क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? हेम्बोल्ट जलधारा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो देखो दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेम्बोल्ट जो जलधारा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है। महासागरों के नाम दिए हुए हैं, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर। कौन से महासागर से होकर ये जो हेम्बोल्ट है, ये जो जलधारा गुजरती है, तो हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, जलधाराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। फिर हम बात करेंगे एक तो उत्तरी अटलांटिक की जलधारा और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा, या हिंद महासागर की गर्म जलधाराएँ या ठंडी जलधाराएँ। इनके बारे में हम चर्चाएँ करने वाले हैं कि किस किस प्रकार की जलधाराएँ हैं, उसके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, देखो दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर को, अंटार्कटिक महासागर को कितने हिस्सों में आपको तोड़ना है? तो दो हिस्सों में, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, एक तो क्या हो गया, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर एक हो गया दोस्तों, कौन सा, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, ये पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसको भी दो भागों में तोड़ना है, कौन से दो भागों में, एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। कौन सी? एक तो गर्म जलधारा और एक कौन सी, ठंडी जलधारा। कौन सी? ठंडी जलधारा। इसी प्रकार इसे भी, दक्षिणी अंटार्कटिक को भी दो भागों में तोड़ना है हमें। कौन से दो भाग? तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। और क्या? ठंडी जलधारा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे नाम पूछे जाएंगे कि कौन सी जलधारा कहाँ है, कौन सी जलधारा गर्म है। जैसे आपको पूछ लिया जाए गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा किस महासागर से होकर गुजरती है, आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकते हैं, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो हम बात करते हैं उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की। पहले बात करते हैं कि कौन सी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में गर्म जलधाराएं हैं। तो गर्म जलधाराओं के बारे में बात करें तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में दो गर्म जलधाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो लेब्राडोर की धारा और एक केनारी धारा। लिखो दोस्तों, लेब्राडोर जलधारा और एक केनारी जलधारा। ये क्या है? दो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो दूसरी जलधारा का नाम क्या है? कन्नारी धारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं ठंडी जलधारा। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जो जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें कई हैं। एक तो पहले लिखो एंटिलीज जलधारा। कौन सी? एंटिलीज धारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कौन सी जलधाराएं आपसे पूछ लिया जाए? केयान्नी जलधारा फेलोरिडो की जो धारा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेलोरिडा की धारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे और पूछ लिया जाए एंटिलीज धारा, केनियन धारा, फेलोरिडा की धारा, और इसके आगे पूछ लिया जाए गल्फ स्ट्रीम धारा। कई बार ये पूछा जाता है ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा। तो आप गल्फ का नाम देख के आप ये देख लेना
ऐसी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। गल्फ का मतलब आप गर्म मत कर देना, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की क्या है ये धारा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इरेमिंगन जलधारा, नार्वे धारा और रेनेला धारा। लिखो दोस्तों रेनेला धारा नार्वे धारा, नार्वेस्टर भी इसे बोलते हैं, नार्वे धारा ये क्या है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, एक इरमिगन और लिख लो, ये यहीं पे लिख देता हूं मैं, इरमिगन जलधारा ये ठंडी जलधारा है दोस्तों, ये इधर से अलग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक तो क्या है, गर्म जलधारा है। कौन सी जो गर्म जलधारा है, तो ब्राजीलिया जो धारा आपने सुनी होगी, ब्राजील धारा ये क्या है, गर्म जलधारा है। कौन किस महासागर की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं ठंडी जलधारा कौन सी है, तो इसमें दो ठंडी जलधाराएं, एक तो फोकलैंड और एक बेंगुला। एक तो कौन सी, फोकलैंड और एक बेंगुला जलधारा। अब आपसे फोकलैंड धारा और बेंगुला धारा, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये सेकंड ग्रेड में भी आया था। किस प्रकार से आया था, निम्नलिखित में से धाराओं को क्रम से दर्शाना आया था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो आपसे फोकलैंड, बेंगुला और कौन सी जलधारा, लेब्राडोर और केन्नारी जलधारा ऑप्शन में दिए हुए थे और उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना था कि कौन सी धारा कहाँ से होकर गुजरती है उसके आधार पर व्यवस्थित करना था। अब बात करते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर के बारे में, एक तो कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर, इसी प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर और एक कौन सा प्रशांत महासागर होगा, एक दक्षिणी प्रशांत महासागर और इसे भी इसी अटलांटिक की तरह क्या करते हैं, दो दो टुकड़े करते हैं, एक तो गर्म धारा और एक ठंडी धारा। एक तो कौन सी हो गई, गर्म धारा और एक तरफ हम कौन सी धारा पढ़ेंगे, ठंडी धारा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहीं पर भी हम पढ़ेंगे गर्म धारा और कौन सी धारा ठंडी धारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराओं के बारे में, बात करते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जो गर्म धारा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें तीन क्या है गर्म धारा है, एक तो अलास्का धारा, एक क्रोएशिया धारा और एक कौन सी, सुशिमा धारा। तो लिखो दोस्तों अलास्का धारा, क्रोएशिया धारा और पूछ लीजिए कौन सी एक धारा कौन सी हो गई, एक तो अलास्का, एक क्रोएशिया और दूसरी जलधारा कौन सी है, क्रोएशिया बोला जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, एक सुशिमा धारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी ठंडी जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करें तो दो क्या है ठंडी जलधारा है, कौन कौन सी है, एक तो कैलिफोर्निया और एक क्यूराइल जो जलधारा है। तो कैलिफोर्निया और क्यूराइल, लिखो दोस्तों कैलिफोर्निया और क्यूराइल धारा किस प्रकार की धारा है, ये क्या है ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा। अब आपसे पूछी जाए कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की एल निनो और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। गर्म तो पूछे तो एल निनो और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो क्या है गर्म जलधारा है, किसकी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की। आपसे पूछे उसकी ठंडी जलधारा ठंडी कौन सी है, तो ठंडी कौन सी जलधारा है, हेमोल्ट व पेरू जो जलधारा है वो किस महासागर की ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की, दक्षिणी प्रशांत महासागर की। तो हेमोल्ट हेमोल्ट
या पेरू जलधारा, या पेरू धारा, पेरू धारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो हिंद महासागर में भी दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखो दोस्तों, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो उत्तरी हिंद महासागर और एक दक्षिणी हिंद महासागर। एक तरफ तो हो जाएगा उत्तरी हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर, और एक हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, महासागर। ठीक है दोस्तों, एक तो उत्तरी हिंद महासागर और एक दक्षिणी हिंद। उत्तरी हिंद महासागर में तीन धाराएं हैं, वो कई बार पूछी जाती हैं आपसे। एक तो मोजेम्बिक, मेडागास्कर और अगलुहास। तो लिखो दोस्तों, पहली तो कौन सी हो गई, मोजेम्बिक, 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 मेडागास्कर, मेडागास्कर, और ये जो अगलुहास है ये कई बार पूछी जाती है, अगलुहास धारा, अगलुहास धारा ये कई बार पूछी जाती है। ये क्या है, गर्म जल धारा है। उत्तरी हिंद महासागर की कैसी जल धाराएं हैं, ये गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ठंडी, ठंडी कौन सी है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में किसी प्रकार की धाराएं नहीं है, इसमें एल निनो और ला निनो का प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, मानसून में अत्यधिक वर्षा होती है, ला निनो में मानसून सक्रिय हो जाता है, असक्रिय और सक्रिय के बारे में बताया गया है। उत्तरी हिंद महासागर में जो गर्म जल धाराएं हैं ये तो ये हैं, और ठंडी आपसे पूछ ली जाए कि ठंडी कौन सी धाराएं हैं, तो ठंडी की बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इसमें ठंडी जल धारा पूछे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या हो गई, गर्म जल धाराएं हो गई उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की, और ये क्या हो गई, ठंडी महासागरीय धाराएं होगी। जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में किसी भी प्रकार की कोई धाराएं नहीं होती हैं, इसमें मानसून प्रभावित होता है, इसमें एल निनो और ला निनो का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये थी आपकी कुछ धाराएं, और इसका हमें क्वेश्चन पूछा था हेमोल्ट जो जल धारा है, हेमोल्ट जो जल धारा है ये किस महासागर में पाई जाती है, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और प्रशांत महासागर में भी कौन से में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। किस प्रकार की जल धारा है, ये ठंडी जल धारा। आपसे पूछ लिया जाए ये किस प्रकार की जल धारा है, तो ठंडी जल धारा है, ठंडी जल धारा, जल धारा, और कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये पाई जाती है। तो ये आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में फिर से चर्चा करते हैं कि दोस्तों चर्चा करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है हेमोल्ट जल धारा, हमारा क्वेश्चन था हेमोल्ट जल धारा किस महासागर से होकर गुजरती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो उसमें ऑप्शन थे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर। तो हेमोल्ट जो जल धारा है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है, और किस प्रकार की जल धारा है, ये ठंडी जल धारा है। हमने क्या किया, अभी हमने इस क्वेश्चन में अध्ययन किया है कि सभी जल धाराओं के बारे में पढ़ा है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की कौन सी धारा है, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की जल धारा, और उत्तरी प्रशांत महासागर की जल धारा और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धारा, और बात करी हमने हिंद महासागर के उत्तरी अंटार्कटिक, उत्तरी जो हिंद महासागर है उसकी जल धाराओं के बारे में बात की है। ये जल धाराओं में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े लेवल की एग्जाम में होती है तो उसमें तो उत्तरी और दक्षिणी भी मिलेगा नहीं, अन्यथा तो ये मैंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये दिल्ली पुलिस में, एसआई में और आरपीएफ में, रेलवे में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि टीचर में तो ये उत्तरी और दक्षिणी भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे। हम बात करते हैं देखो दोस्तों उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की जल धाराओं और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की जल धाराओं के बारे में। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की जल धाराओं को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, कौन कौन सी, एक तो गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा। बात करते हैं उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की गर्म जल धाराएं कौन सी है, तो ये आपको तीन नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी है गर्म जल धारा, लेब्राडोर जल धारा और किनारी जो जल धारा है, ये क्या है, उत्तरी अंटार्कटिक, उत्तरी अंटार्कटिक ऊपर के जो भाग हैं वहीं पर गर्म जो जल धाराएं हैं वो क्या है, लेब्राडोर और किनारी जो जलधाराएं हैं उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि आपसे पूछ ली जाए उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो ठंडी जलधाराएं कौन सी है, एंटालिज धारा क्या है, ठंडी जलधारा है, इसके बाद में केयर्नी धारा है, फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की धारा है, तो आपको आंसर देना उत्तरी अंटार्कटिक महासागर या
अंटार्कटिक महासागर की धारा है, किस प्रकार की ठंडी जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम को आप गर्म करके आ जाते हो जबकि ये गर्म जल धारा नहीं है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, मैं आगे बताता हूँ आपको, पहले ये बता देता हूँ कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की कौन सी ठंडी धाराएं, एक इरिमिगन जल धारा, एक रेनेला जल धारा और नार्वे जो धारा है, रेनेला धारा, नार्वेस्टर जो धारा बोली जाती है, ये किस प्रकार की धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं, किस महासागर की, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ये धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आपको इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तरी अंटार्कटिक निम्नलिखित में से उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जल धारा नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। इसमें तीन नाम तो ठंडी जल धाराओं के दिए जाएंगे और एक नाम दिया जाएगा गर्म जल धाराओं का। या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है, तो आपको तीन नाम ठंडी जल धाराओं के दिए जाएंगे, एक नाम गर्म जल धारा का दे दिया जाएगा। या इस प्रकार से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जल धारा है, तो आपको यह नाम मिलेंगे, फिर इसमें से एक नाम दे दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक साथ आपको ये क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में को भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया, कौन सी जल धारा है, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा की बात करते हैं, ब्राजीलिया जो धारा है वे किस प्रकार की धारा है, गर्म जल धारा है दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की। ठीक है, बात करते हैं ठंडी जल धारा कौन सी है, तो ठंडी जल धारा दो जल धाराएं हैं, एक तो फोकलैंड जल धारा, एक बेंगुला जल धारा। ये कौन से महाद्वीप की हैं, महासागर की आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की हैं। फोकलैंड और बेंगुला जो जल धाराएं हैं ये ठंडी जल धाराओं के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात की थी हमने प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को भी कितने टुकड़ों में तोड़ दिया, हमने प्रशांत महासागर को भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक तो उत्तरी प्रशांत महासागर और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर को भी हमने फिर क्या किया, दो टुकड़ों में तोड़ा। कौन कौन से दो टुकड़े किए थे, एक तो गर्म जल धाराओं के टुकड़े और एक ठंडी जल धारा। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की बात करते हैं गर्म जल धाराओं की, तो तीन गर्म जो जल धाराएं हैं वो कौन कौन सी है, एक तो अलास्का जो जल धारा है, एक क्रोएशिया, क्यूरोशिया भी बोला जाता है इसे, इस नाम को इस प्रकार से भी आपको लिखा आ सकता है, क्यूरेशिया इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो अलास्का, क्यूरेशिया व सुशिमा जो जलधाराएं हैं ये किस प्रकार की जलधाराएं हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, ये आपको याद रखना है, कैलिफोर्निया और क्यूराइल जो जल धारा है ये किस प्रकार के हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा। आपको इसमें नाम में कन्फ्यूजन होगा, कौन सा, एंटालिटीज की जल धारा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की क्या है, ठंडी जल धारा है, जबकि प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है कौन सी, कैलिफोर्निया और क्यूरेशिया। और बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की, दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को भी कितने भागों में तोड़ा, दो भागों में, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं, एक तो एल निनो किस महासागर की है आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की किस प्रकार की धारा है, गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी प्रशांत महासागर की किस प्रकार की धारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए हेमोल्ट जो जलधारा है ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर पड़ता है उसकी सबसे ठंडी जलधारा मानी जाती है, जहाँ पेरू क्षेत्र पड़ता है, पेरू क्षेत्र, तो हेमोल्ट व पेरू क्षेत्र यह आपसे पूछा था, हेमोल्ट व पेरू क्षेत्र भी इसे बोला जाता है, कौन सा, पेरू क्षेत्र कि ये जलधारा किस प्रकार की धारा है, ठंडी जलधारा है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये जलधारा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हिंद महासागर की, हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं पाई जाती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिंद महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं, एक तो उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। तो देखो दोस्तों, दक्षिणी हिंद महासागर में किसी भी प्रकार की जलधारा नहीं पाई जाती है, जबकि उत्तरी हिंद महासागर में गर्म जलधारा भी पाई जाती है और ठंडी जलधारा भी पाई जाती है। गर्म के नाम कई बार पूछे जाते हैं, उत्तरी ये कहाँ पाई जाती है, उत्तरी हिंद महासागर में पाई जाती हैं, और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है उत्तरी हिंद महासागर की, तो मोजेम्बिक, मेडागास्कर व अगलुहास, ये तीनों नाम कई बार पूछे जाते हैं। और ठंडी जलधारा आपसे पूछ ली जाए तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर की क्या है, ठंडी जलधारा। जैसे मैंने बताया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण दोस्तों हिंद महासागर की क्या है, ठंडी जलधारा है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, हिंद महासागर से जो गर्म जलधाराओं में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन एक तो क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से कौन सी
हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। आपसे पूछा जाएगा, आपको ये अगलू हास ना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तो ऑप्शन ये दे दिया गया, एक ऑप्शन ये दे दिया गया, तो आपको करना अगलू हास हिंद महासागर की क्या है, गर्म जल धारा। एक ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हेमोल्ट या मोडेम्बिक या मेडागास्कर, ये आपको नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको ये पूछ लिया जाए कि मेडागास्कर किस महासागर की गर्म जल धारा। उसमें आपको उत्तरी हिंद महासागर भी मिलेगा, दक्षिणी हिंद महासागर भी मिलेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर भी मिलेगा और दक्षिणी प्रशांत महासागर भी मिलेगा। तो आपको बताना है उत्तरी हिंद महासागर की क्या है, ये गर्म जल धाराएं। तो आपको ये जो तीनों नाम लिखा है मैंने उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जल धाराओं के, ये तो वेरी वेरी मोस्ट हैं, इसके तो 100% क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस बनते हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना, एक तो मोजेम्बिक जल धारा, एक मेडागास्कर जल धारा और अगलू हास धारा। ये देखो दोस्तों नाम, ये अगलू हास जल धारा और ये हिंद महासागर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंद महासागर की कैसी जल धारा है, ये गर्म जल धारा है। तो लिखो दोस्तों, यह क्या है, यह है हिंद महासागर उत्तरी हिंद महासागर भी लिख सकते हो आप, उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है उत्तरी हिंद महासागर की किस प्रकार की यह जल धारा है, गर्म जल धारा है। ये क्वेश्चन कई बार ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैं अलग से भी आपको नोट करके लिखवाया है। तो ये उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये जो महासागरों की जो धाराएं मैंने ये टॉपिक करवाया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने सभी धाराएं करवा दी हैं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बड़े लेवल की एग्ज़ाम हो चाहे छोटे लेवल की एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आया। आप रीट उठा के देख लेना, फर्स्ट ग्रेड टीचर उठा के देख लेना, सेकंड ग्रेड टीचर उठा के देख लेना, इंडिया लेवल की जितनी भी भर्तियाँ हैं, एसआई तकात की भर्तियाँ हो चाहे एसआई हो चाहे एयर फोर्स नेवी हो चाहे किसी में भी, ये क्वेश्चन इस यहीं से धाराओं से क्वेश्चन आता है और ये धाराओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन क्या होते हैं, यहीं पर गलत हो जाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ गल्फ स्ट्रीम की जल धारा है, ठंडी जल धारा है, गर्म जल धारा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसकी गर्म जल धारा ही करके आते हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की है, ठंडी जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की यह धारा है। तो इसमें किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, आपको ये किताबों में पढ़ोगे ना तो आपको कम से कम 5 या 7 पेज आपको मिलेंगे, और वो भी क्रम से नहीं मिलेंगे आपको, ये लास्ट तक पढ़ पाओगे ना तब आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी तो गर्म जल धारा है कौन सी ठंडी जल धारा है। यदि आप ये याद नाम याद कर लोगे ये गर्म है ये ठंडी है, तो भी आपको कन्फ्यूजन ये रहेगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है या दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, उत्तरी प्रशांत महासागर की है या दक्षिणी प्रशांत महासागर की है, तो ये आपको पता नहीं रहता है। तो इसका ही तो आपको ध्यान करना है और अच्छे से पढ़ लेना है, सारणी बना लेनी है, जिस प्रकार से मैंने बोर्ड पर सारणी बनाई है उसी प्रकार आप कॉपी में अच्छे अच्छे राइटिंग में सुंदर तरीके से डिवाइडेशन करके और ये गर्म जल धाराएँ और ठंडी जल धाराएँ अलग अलग लिख लेना, ताकि क्या हो जाए आपके याद भी हो जाएंगे, और जो आप इसको ये सारणी में बनाकर लिखोगे तो आपको कंटेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, आप कभी भी उसे भूलोगे नहीं और परीक्षा में बिल्कुल सही आंसर करके आओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और लास्ट काम आपका बचता है क्या, आपको यदि कहीं पर भी कमी नज़र आए या कोई चीज़ की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कोई भी चीज़, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा में आपके लिए बेहतर, इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके का कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट कक्षा में, आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत।